हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री के अधीन नागरिक अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जींद के नागरिक अस्पताल में कार्यरत एक क्लर्क द्वारा मौत का प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो का मामला संज्ञान में आने के बाद सिविल सर्जन ने डिप्टी सीएमओ को मामले की जांच सौंपकर एक हफ्ते में रिपोर्ट देने के आदेश दे दिए हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीड़ित व्यक्ति से अस्पताल का क्लर्क पैसे लेकर जेब में डाल रहा है और पिछली कुछ राशि बकाया होने की भी बात कह रहा है। पीड़ित व्यक्ति जब सर्टिफिकेट के असल होने की बात पूछता है तो क्लर्क उसे ओरिजिनल होने की गारंटी देता है। पहले आप भी देखिए यह वीडियो। सही है ना आचार्य जी की ओरिजिनल निश्चित के जमा नाम तो ठीक होगा ना ठीक मन की कहिए हाँ भाई दे दो। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी दो रिश्तेदारों की मौत के बाद सरल केंद्र से रसीद लेकर डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी जब प्रमाण पत्र नहीं मिला तो उसने दोबारा पता करने की कोशिश की, जिसके बाद अस्पताल में कार्यरत एक क्लर्क ने उससे पैसे लेकर वो सर्टिफिकेट जारी कर दिए। सुंदरपुर निवासी पीड़ित सुरेंद्र ने वीडियो में सिविल अस्पताल का एक कर्मचारी जो कि डेथ सर्टिफिकेट ब्रांच में बैठता है अपनी सीट से उठकर पहले बार आता है। इस दौरान वह 300 रुपए की डिमांड करता है। इस दौरान आरोपी पहले दिए हुए पैसे में से 150 रुपए बकाया बताता है। इसके बाद पीड़ित पूछता है कि कितने में काम चल जाएगा। इस पर कर्मचारी फिर से 300 रुपए की डिमांड करता है जो डेथ सर्टिफिकेट सौंपा जाना है। उसके बारे में पीड़ित पूछता है कि असली तो होगा। इस पर कर्मचारी आश्वासन देता है कि उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद पीड़ित कर्मचारी को कुछ पैसे सौंपता है। कितने रुपए दिए यह वीडियो में साफ नजर नहीं आता क्योंकि कर्मचारी नीचे से छुपा कर लेता है और फिर उनको जेब में डालता हुआ ही नजर आता है। इसके बाद कर्मचारी वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद जब उसके पिता प्यारे लाल की मौत हुई तो डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए दोबारा से रिश्वत की मांग की गई। पीड़ित ने जब उनसे गुजारिश की तो बिना पैसे के सर्टिफिकेट जारी करने से मना कर दिया गया। पीड़ित ने आरोपी की वीडियो बनाई और सिविल सर्जन को शिकायत सौंप दी। मामले में जब सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जांच के बाद कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। मामले की जांच एक डिप्टी सीएमओ स्तर के अधिकारी को दी गई है। मामले की जांच की जा रही है। वहाँ 85 रुपए की रसीद कटी। 80 रुपए की रसीद कटने के बावजूद मैंने पूछा सर केंद्र में क्या दिन में मिलेगा ये सर, ये कहने लगे एक हफ्ता टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो पैसे से काम होता है, बगैर पैसे काम नहीं होता। मैं सर पैसे बन रसीद कटा रखी है, रसीद देखो बोले जहाँ रसीद कटवाई है वहीं से लो फिर आप। यहाँ तो पैसे देगा तो डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। फिर मैं सर कितने पैसे, वो कहने लगा कि 100 रुपये दे दे। माना उनको माँ ठीक है मैं 100 रुपये दे दूँ अपने, माना वो जरूरी चाहिए थे, मजबूरी थी मेरी। माना उनको 500 रुपये दिए, 500 रुपये देने के बाद उन्होंने 250 रुपये काट कर 250 रुपये मेरे को वापस दे दिए। ये कोई शिकायत आई है मेरे पास तो इसकी मैंने जांच के लिए एक डिप्टी सीएमओ को लगा दिया है। तो मैंने एक हफ्ते में बोला है कि इंक्वायरी करके दें और अगर दोषी मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये तो खैर जाँच के बाद ही पता लगेगा, जो जाँच अधिकारी है वो जांच करके ही मेरे को रिपोर्ट करेगा तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। मेरे तो नोटिस में ये पहली बार ही आया, मैं तो अभी आया हूँ एक हफ्ता पहले। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।